आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। कटिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टिचिंग में सबसे पहले ये डबल कटोरी ब्लाउज का जो नीचे वाला पार्ट होता है कटोरी का, इसका सेंटर निकाल करके हम पहले इसमें प्लेट डालेंगे। इस प्रकार से 6.5 है, इसका सेंटर 3.25 आ जाएगा और यहाँ से लगभग 1 इंच छोड़ेंगे। ये 3 इंच है तो हम इसको 2 इंच तक ये प्लेट यहाँ से यहाँ डालेंगे और ये प्लेट की चौड़ाई होनी चाहिए 1 इंच। प्लेट डालने के बाद अब हम ऊपर वाली कटोरी को नीचे वाले पीस के साथ राइट टू राइट मैच करके सिलेंगे और ये सेंटर को सेंटर से भी मैच करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस करके सिलते हैं क्योंकि इसमें औरेब है कपड़े में। ऐसा हम दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको नीचे वाली कटोरी की तरफ ऐसे रखेंगे और सीधी तरफ ले जाकर इस पर प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे। प्रेस स्टिचिंग करने के बाद ब्लाउज की कटोरी में इस प्रकार उभार आना चाहिए। अब हम राइट टू राइट मैच करके ये वाली स्टिचिंग भी करेंगे। ये इस प्रकार से यहां तक ऐसे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा नेक पोर्शन है और ये बॉटम पोर्शन है। कटोरी को साइड पीसेस के साथ सिलने के बाद अब हम इस कपड़े को कटोरी वाली साइड रखेंगे और राइट साइड में इस पर प्रेस स्टिचिंग करेंगे। प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम बेल्ट वाले ब्लाउज की तरह इसकी बेल्ट जोड़ेंगे। ये हमारा ड्राफ्टिंग वाला पीस है, इसको हम इस पीस के साथ ऐसे राइट टू राइट मैच करेंगे और ये वाले पीस को हम ऐसे रख करके इस पीस को बीच में रखेंगे और इसके साथ ऐसे सिंपल स्टिचिंग करेंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। सिंपल ये स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार लेते हैं, यहां से इसको और इसको सिलेंगे, सिर्फ इन दो नीचे वाले बेल्ट पीसेस को और ये सारा पोर्शन इसके बीच में लेके आएंगे। और ऐसा हम दोनों साइड के पीसेस में करते हैं। ध्यान रहे ये सिलाई करते वक्त हमारा ये वाला पीस कहीं भी बीच में नहीं आना चाहिए। अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे और ये वाले पीस को निकालेंगे। अब ये सीधी तरफ से इस प्रकार दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर प्रेस स्टिचिंग करेंगे और बॉटम में भी हम इसको एक स्टिच लगाएंगे। बेल्ट में प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम हुक्स और लूप्स लगाने के लिए स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हम हुक्स लगाएंगे तो उसके लिए हम 2 इंच की पट्टी इसके अंदर लगाएंगे और राइट टू राइट मैच करके
पहले इस पट्टी को यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और ये बॉटम में हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नीचे ये फिनिशिंग पूरी हो गई है तो पट्टी भी हमारी ऐसे फोल्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पट्टी को इस प्रकार खोलेंगे और पट्टी की तरफ एक प्रेस स्टिचिंग लगाएंगे। अब इस हुक पट्टी को हम रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे इस प्रकार से, और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर टेम्परेरी स्टिचिंग करेंगे और बाद में इस पर हैंड स्टिचिंग कर देंगे। हुक पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब हम लूप पट्टी पे आते हैं। इसको हम सिंपल ब्लाउज की तरह इसका रॉन्ग और पट्टी के राइट को एक दूसरे के ऊपर रखकर ऐसे सिलाई लगाएंगे और ये वाली जो पट्टी है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को इस प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर पट्टी की तरफ एक स्टिच लगाएंगे पहले। उसके बाद हम इसको इस प्रकार फोल्ड करते हैं और इस स्टिच के ऊपर हम इसको रखेंगे और ये पट्टी यहाँ से यहाँ तक सिली जाएगी। यहाँ पर हम अपने लूप्स बनाएंगे। लूप पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर इस प्रकार रखेंगे और ये नेक से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसके सिंपल ब्लाउज की तरह शोल्डर जॉइंट करेंगे और एक पट्टी लगाएंगे। गला बनाने के बाद अब हम फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे और इसको स्टिचिंग करते करते इसको यहां से बैक पीस को इस प्रकार फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम टेम्परेरी स्टिचिंग करके हैंड स्टिचिंग भी करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स जॉइंट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।